अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड विद तमन्ना। आज हम आपको चिकन नहारी बनाना बताएंगे, कितने आसान तरीके से हम इसको घर में भी बना सकते हैं। तो ये हमने 1 किलो का चिकन ले लिया है। तो ये हमने बड़े बड़े पीस लिए हैं, क्योंकि नहारी में जो होते हैं चिकन तो वो ज़्यादा गले ना, तो हमने ये बड़े पीस लिए हैं। और ये हमने ओनियन ले लिया है, 2 कट किए हैं हमने। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये दही ली है, ये नमक है, ये हमारा बेसन है। ये हमने नहारी मसाला लिया है, तो ये हमने 1 किलो का गोश्त लिया है, तो उसके हिसाब से हमारा नहारी मसाला है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा नहारी मसाले का पैकेट है। तो अगर हम 2 किलो गोश्त लेंगे तो ये हम पूरा पैकेट यूज़ करेंगे। हमने 1 किलो का लिया है, तो हमने ये आधा हाफ पैकेट इसे यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कुकर ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से हमने गरम कर लिया है। तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल इतना डालें कि जो हमने प्याज कट किया था वो हमारा अच्छे से इसमें लाल हो जाए। तो अब ये तेल गरम होने के बाद हम ये जो ऑनियन है हमारे पास, इसे हम डालेंगे। हमारा कुकर में ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम जो हमारा ये ऑनियन है ये हम डालेंगे उसमें। अब इसे थोड़ी देर तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे। अब इसे हम चलाएंगे। इसे अब हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। जो हमने प्याज इसमें डाली थी तेल में, अब ये हमारे इतना हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसे जब तक ये पूरा ब्राउन ना हो जाए इसे हम निकालेंगे नहीं, इसे हम अच्छे से पकने देंगे। अभी हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हम ओनियन को तभी निकालेंगे जब इस तरह का कलर आएगा, क्योंकि अगर हमने इसे पहले निकाल लिया तो फिर नहारी में फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो जब अच्छे से पक जाए, इस तरह ब्राउन कलर आ जाए, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, जो हमारे पास ऑयल था उसमें डालेंगे हम। ये देखिए मिक्स करेंगे ऑयल को और चिकन को। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो डालेंगे। ये देखिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छे से मिक्स हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये चिकन। अब हम इसमें नारी मसाला डालेंगे। ये देखिए अब ये दही डालेंगे हम इसमें। ये हमने नमक डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जो इसमें जो हमने सब डाला है मसाले, इसे अच्छे से मिक्स करने के। जब तक ये हमारा जो चिकन हमने इसमें बना रहे हैं नहारी, तो जब तक ये हमारा इसमें बनेगा, तो जो हमने ओनियन हमने निकाला था अब हम उसे देखते हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है, ग्राइंड करेंगे अब उसको। तो ये हमारा ओनियन है, ये हम ग्राइंड करने जा रहे हैं इसको। तो ये बेसन भी ओनियन के साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज का कलर कितना अच्छा और कितना प्यारा है। प्याज हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसमें बेसन डालेंगे।
ये देखिए ये डाल दिया। अब उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, पानी डालेंगे इसमें, इसको ग्राइंड करेंगे हम। ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम देखते हैं जो हमने गोश्त को कुकर में डाला था वो हमारा हुआ है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा ये भी पक चुका है, ये देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा कलर आया है। तो अब जो हमने ग्राइंड किया था अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हमारा अच्छे से देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आपको जिस हिसाब से इसमें पानी डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो हम तो आधा डालेंगे इसमें। चलिए गाइस देखते हैं अब हमारी नारी पक चुकी है या नहीं, देखते हैं। ये देखिए गाइस हमारी नारी अच्छे से तैयार हो गई है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है नारी का, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसे घर में बनाया गया है। देखिए क्या 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 खुशबू है। देखिए गाइस ये हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए गाइस गाइस कितने अच्छे से पक चुका है। चलिए अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। गाइस देखिए पक चुका है अच्छे से, अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हरी धनिया से हमें ये हरा मिर्चा, ये प्याज हम साइड साइड में रख रहे हैं, ये नींबू। ये देखिए गाइस देखिए कितना अच्छा कितना टेस्टी खान देखने में लग रहा है, सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। ये देखिए गाइस